हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलक ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोशिका जीवन की इकाई। तो स्टूडेंट, हमने लास्ट इसके कुछ लेक्चर्स हो चुके थे। अब अपन आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कोशिका सिद्धांत। हम इस चैप्टर को आगे लेते हैं, सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत आज का टॉपिक है हमारा, कि सेल थ्योरी क्या है। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर सेल थ्योरी जो है, जो कोशिका है, कोशिका किस प्रकार से कार्य करती है, एक सेल के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ठीक है, उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इस चीज़ को समझाने के लिए दो साइंटिस्ट थे, श्लाइडेन एंड श्वान। साइंटिस्ट थे श्लाइडेन एंड श्वान, थियोडोर श्वान। सो देखिए, 1838 में एंड 1839 में, 1838 एंड 1839 के अंदर श्लाइडेन नाम के एक साइंटिस्ट थे, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ध्यान रखिएगा कि जर्मन बॉटनिस्ट थे ये, यानी कि ये पादप कोशिका के ऊपर अपना अध्ययन कर रहे थे। किस पे? पादप कोशिका पर, प्लांट सेल के ऊपर, ठीक है ना, प्लांट सेल की ये स्टडी कर रहे थे। एंड श्वान जो थे ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट 1839 में ये एनिमल सेल पे स्टडी कर रहे थे, जंतु कोशिका। तो श्लाइडेन और श्वान ने जो है वो 1838 एंड 1839, यहाँ पर ये इनका ईयर है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है। सारे ईयर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ एक डाटा जो है वो आजकल पूछे जाते हैं, सो आपको याद रखना ज़रूरी है। जर्मन बॉटनिस्ट थे एंड जर्मन जूलॉजिस्ट श्वान। तो ये इन्होंने क्या किया था कि एक पादप कोशिका पर अध्ययन कर रहे थे और एक जंतु कोशिका पर। तो एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के ऊपर स्टडी करके इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले कि सेल वास्तव में क्या है, एक कोशिका जो होती है वो वास्तव में क्या होती है। तो इन्होंने कुछ थ्योरीज दी थी, तो उस थ्योरी का नाम है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले प्रस्तुत किया था। तो देखिए यहाँ पर कि जो श्वान है, थियोडोर श्वान जो थे, इन्होंने अपनी कोशिका थ्योरी की सबसे पहली इंपॉर्टेंट लाइन कही थी कि प्रत्येक जीव, ये पूछे जाते हैं, कुछ पॉइंट हैं, प्रत्येक जीव कोशिका तथा उसके उत्पादों से मिलकर बना है। क्या इसका मीनिंग क्या है कि एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है। अगर आज आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, आज ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लीजिए कि ह्यूमन बींग्स हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी है एंड उनके प्रोडक्ट्स मतलब उनके उत्पाद कौन से हो गए, यानी कि टिश्यू। अब उत्तक हैं हमारी बॉडी, हम कह सकते हैं उत्तकों से मिलकर बनी है, टिश्यू से बनी है, तो इसका मतलब है तो वास्तव में वो सेल्स ही, ग्रुप ऑफ सेल्स ही तो होता है। तो हमारी बॉडी जिस तरह से ऑर्गन्स से मिलकर बनी है, ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, तो वास्तव में तो वो कोशिकाएं ही है। तो एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स, ये इन्होंने कहा था। और ये लाइन जो थी वो श्वान की थी, ध्यान रखना कि श्वान ने ये लाइन कही थी, है ना। पूरी सेल थ्योरी के अंदर तो आपको दोनों साइंटिस्ट का देना है, लेकिन श्वान जो होते हैं उन्होंने ही ये लाइन कही थी, ठीक है ना, श्वान ने ये बात कही थी। अगला क्या था कि इस थ्योरी के अंदर नेक्स्ट इन्होंने कहा कि प्रत्येक कोशिका में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य में मैं आपको लास्ट कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज मीन बाय प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का क्या मतलब है। जीव द्रव्य पाया जाता है तथा कोशिका झिल्ली द्वारा आवृत होता है। कोशिका भित्ति उपस्थित हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। एक बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, इन्होंने कहा था कि जो
कोशिका झिल्ली है वो तो सभी में पाई जाएगी, सेल मेम्ब्रेन सभी में पाई जाएगी, परंतु कोशिका भित्ति उपस्थित तथा अनुपस्थित हो सकती है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर क्या था कि जो श्वान है वो तो एनिमल सेल की स्टडी कर रहे थे, जंतु कोशिका की, और श्लाइडेन ने पादप कोशिका का अध्ययन किया। और ये बात आप क्लियरली जानते हैं कि पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं होती। तो श्लाइडेन और श्वान जो थे इन्होंने भी यही कहा कि हर कोशिका में, पहली बात तो इन्होंने कहा प्रोटोप्लाज्म सभी में पाया जाएगा, जीव द्रव्य सभी में उपस्थित होगा। ठीक है, फिर कोशिका झिल्ली जो है वो सभी में पाई जाएगी, यानी सेल मेम्ब्रेन। हर कोशिका का प्रोटोप्लाज्म जो है वो कोशिका झिल्ली के द्वारा आवृत होगा, कवर्ड होगा। ठीक है, और कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट हो भी सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे कि प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है और एनिमल सेल के अंदर नहीं होती। इसी के अलावा प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे बैक्टीरिया की जो कोशिका है तो जीवाणु कोशिकाओं में पाई जाती हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, तो मतलब काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें पाई भी जाती है, जंतु यानी एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं होती, ये ध्यान रखना। बाकी फंजाई है, जीवाणु है, इन सभी में जो है वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति की रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं थी, लेकिन कोशिका झिल्ली और प्रोटोप्लाज्म इनके अकॉर्डिंग सभी में उपस्थित था। अगले यहाँ पर एक साइंटिस्ट और थे, रुडोल्फ विर्चो। ध्यान रखिएगा कि जब ये थ्योरी दी गई थी तो रुडोल्फ विर्चो नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक सेंटेंस दिया था, वो था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। तो रुडोल्फ विर्चो ने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ये सेंटेंस दिया। अब इस सेंटेंस का मीनिंग ये था कि प्रत्येक कोशिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है। तो यहां पर क्या है कि इन्होंने कहा कि एवरी सेल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि कोई भी एक नई कोशिका है, किसी भी प्रकार की कोई एक नई सेल है, तो उसका निर्माण हमेशा अपने से पूर्व स्थित कोशिकाओं से होगा, कि उससे पहले जो कोई प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं उन वही एक नई कोशिकाओं को बनाएगी। एक सिंपल सी चीज़ है कि आज हमारा फॉर्मेशन हमारे मदर फादर से हुआ है। ठीक है, यानी कि मदर फादर ने हमें बनाया, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी जो कोशिकाएं थी उन्होंने हमारी कोशिकाओं को बनाया। सिंपल सी चीज़ है, अपन ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा जो पूर्व स्थित, जो पहले से उपस्थित है कोशिकाएं, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ये वर्ड का, ये जो सेंटेंस था, ये ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये इसका मीनिंग है, ये इसका अर्थ है जो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो ने श्लाइडेन और श्वान की थ्योरी के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस किए थे, तो ये उसमें से एक पहला चेंज था, तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी। अब अपन श्लाइडेन और श्वान की नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इन्होंने कहा प्रत्येक कोशिका रासायनिक व आकारिकी रूप से समान होती है। मतलब एवरी सेल इज सिमिलर इन द मॉर्फोलॉजिकल एंड केमिकल वे। ठीक है ना, तो केमिकली और मॉर्फोलॉजिकल हर कोशिका समान होती है इनके अकॉर्डिंग, कि बाहर से देखेंगे तो हर कोशिका का जो आकार है वो समान नज़र आएगा, शेप जो होती है वो सिमिलर नज़र आती है, और ये केमिकल इनका फॉर्म कॉम्पोजिशन देखा जाए तो वो भी क्या होगा, सिमिलर पाया जाएगा। ये श्लाइडेन और श्वान ने कहा था। ठीक है, लेकिन इसमें भी बात करेंगे आगे, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ अपवाद जो है यहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये इनका फोर्थ पॉइंट था। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्होंने लास्ट वन क्या कहा था कि प्रत्येक जीव में होने वाली क्रियाएं वास्तव में उनकी परस्पर कोशिका क्रियाओं का ही परिणाम है।
परिणाम है। आप देखिए, ये इनके लास्ट पॉइंट था। श्लाइडन और श्वान ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में, किसी भी जीव में होने वाला कोई भी फंक्शन है, वो हमेशा उनकी सेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, और जो सेल्स परफॉर्म करेगी वही एक्टिविटी हमें उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो होगी। कि आज अगर हमन जो है वो, हमें अगर कोई भी चीज़, हम कोई भी फंक्शन करते हैं, जैसे आज सपोज कीजिए कि हम, हमारी कोशिका रेस्पिरेशन करती है, तो हम कहते हैं कि एक जीव और रेस्पिरेशन करता है, हम श्वसन कर सकते हैं। तो हम श्वसन कर सकते हैं क्यों? क्योंकि ऐसी कैपेबिलिटी है हमारी कोशिका के अंदर कि हमारी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेस्पिरेशन कर रहा है, जबकि हम कहते हैं कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो वास्तव में जो चीज़ें सेल्स करती है, जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगी, वही एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये था अपने कोशिका सिद्धांत प्रपोज्ड बाय श्लाइडन एंड श्वान। ठीक है, तो श्लाइडन और श्वान ने ये चार जो है, ये पांच पॉइंट दिए थे, उसमें से एक पॉइंट रुडोल्फ विर्चो ने जो है इसको बताया था कि प्रत्येक जीव, हर जीव जो है वो कोशिका से मिलकर बना होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद में कि हर सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होगा, जीव द्रव्य पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि कोशिका भित्ति भी पाई जानी चाहिए। सेल वॉल एब्सेंट भी हो सकती है और प्रेजेंट भी हो सकती है, ठीक है, जैसे एनिमल्स में एब्सेंट है। फिर रुडोल्फ विर्चो ने कहा कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, कि हर कोशिका अपनी पूर्व स्थित कोशिका से बनती है, एवरी सेल ओरिजिनेट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट कि एवरी सेल्स इक्वल इन द केमिकल एंड द मॉर्फोलॉजिकल मैनर, कि प्रत्येक कोशिका रासायनिक व आकार के रूप से समान होती है। हर कोशिका का आकार, साइज वगैरह सब सेम होता है, ये उनका कहना था। ठीक है, उनके अंदर सब केमिकल कॉम्पोजिशन सिमिलर होते हैं। फिर लास्ट में प्रत्येक जीव में होने वाली क्रियाएं वास्तव में उनमें परस्पर कोशिकाओं में होने वाली क्रियाओं का ही परिणाम है, कि जो सेल्स फंक्शन परफॉर्म करती है वही एक ऑर्गेनिज्म भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये थी, इसको अपन कहते हैं प्राचीन कोशिका सिद्धांत, प्रिमिटिव सेल थ्योरी है ये। ठीक है ना, कैसी है? प्रिमिटिव सेल थ्योरी है, जो कि श्लाइडन और श्वान ने दी थी सबसे पहले। इसके बाद में दो साइंटिस्ट थे, एक तो रुडोल्फ विर्चो एंड नागेली, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मिलकर जो है इस कोशिका सिद्धांत को और ज़्यादा रूपांतरित किया, थोड़ा सा मॉडिफाइड किया। इनका कहना सिंपल सी चीज़ थी कि बिल्कुल सही है श्लाइडन और श्वान जो उन्होंने बात कही है, लेकिन थोड़े बहुत इसमें पॉइंट्स उन्होंने ऐड किए थे। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एंड जो भी डाउट आते हैं तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप अपने डाउट लिख कर भेज सकते हैं आप हमें। आप देखते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर रुडोल्फ विर्चो और नागेली का क्या कहना था। तो पहली तो कि रुडोल्फ विर्चो ने ये जो बात कही थी वो तो एग्जैक्ट सही थी। ठीक है ना, तो ये बात भी उन्होंने अपनी सेल थ्योरी में की थी। देखें, इनके द्वारा दी गई सेल थ्योरी जो थी, रुडोल्फ विर्चो एंड नागेली, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम बात करें कि मॉडर्न सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वो था रुडोल्फ विर्चो एंड नागेली, रुडोल्फ विर्चो एंड नागेली, इन्होंने जो है ये दिया था, आपने जो है मॉडर्न सेल थ्योरी, आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। अब इनके अकॉर्डिंग क्या था, इन्होंने पहले तो उन्हीं पॉइंट्स को इंक्लूड किया जो कि श्लाइडन और श्वान ने लिया था। अब मैं केवल वो पॉइंट्स बताऊंगी आपको जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करी थी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने क्या ऐड किया, तो यहां पर अब आ जाते हैं अपन आधुनिक कोशिका सिद्धांत पर। मॉडर्न सेल थ्योरी, देखें रुडोल्फ विर्चो के अकॉर्डिंग कि जो कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, मतलब अगर सेल्स ग्रोथ करेंगी,
तो एक ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करेगा। अगर एक कोशिका की वृद्धि होगी तो एक जीव की वृद्धि होगी। सिंपल सी बात थी, ठीक है। जैसे अभी कहा ना कि जितनी भी क्रियाएं होती है वो कोशिकाएं करती है, और उसी के द्वारा जो है वही क्रियाएं हमें ऑर्गेनिज्म्स के जो है वो दिखाई देती है कि ऑर्गेनिज्म कोई कार्य कर रहा है, श्वसन कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो रहा है तो वो कोशिकाओं के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। इसी प्रकार से इन्होंने कहा था कि अगर किसी भी एक जीव की वृद्धि जो होगी वो हमेशा कोशिका में होने वाली वृद्धि ही होती है। अगर सेल्स ग्रोथ करेंगी, है ना, अगर सेलुलर ग्रोथ होगी तो एक ऑर्गेनिजम्स की भी ग्रोथ होगी। जैसे हमारी लाइफ में अलग अलग फेज आती रहती है कि पहले हम चाइल्डहुड फेज में थे, है ना, बाल्यावस्था में थे, फिर किशोरावस्था यानी जुवेनाइल फेज में एंटर हुए तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ वृद्धि देखने को मिली। फिर हम जुवेनाइलिटी फेज से अपने एडल्टहुड फेज के अंदर गए, वयस्क अवस्था में पहुँचे, तो वहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ जो है वो वृद्धि मिली, ग्रोथ देखने को मिली। तो वास्तव में ये जो ग्रोथ है, ये जो वृद्धि है वो कहाँ हो रही है, वो हमारी कोशिकाओं में यानी हमारी सेल्स में हो रही है। तो जो ग्रोथ हमारी सेल्स करती है वही ग्रोथ एक ऑर्गेनिज्म यानी हम शो करते हैं। ये चीज़ रुडोल्फ विर्चो और नागेली ने जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर ऐड किया था। नेक्स्ट, इनके अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा जो पॉइंट किए थे, मैं केवल वो पॉइंट बता रही हूँ, बाकी इन्होंने स्लाइडन एंड शॉन के भी पॉइंट्स को इंक्लूड किया था, ठीक है। तो देखिए इनके अकॉर्डिंग क्या था कि अनुवांशिक पदार्थ कोशिका में उपस्थित होता है। मतलब आवर जेनेटिक मटेरियल इज स्टोर्ड इन दिस सेल। हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है वो कोशिका के अंदर पाया जाता है। जैसे कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर जो है वो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। तो जेनेटिक मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं वो जीव के, वो दो तरीके के हो सकते हैं, या वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। किसी के भी अंदर ये नहीं है कि डीएनए भी उसका अनुवांशिक पदार्थ कहलाएगा, जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी कहलाए, ऐसा कभी नहीं होता। जैसे आज हमारे अंदर जो डीएनए है वो हमारा अनुवांशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल है, जबकि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है हमारी वो डीएनए में ही स्टोर है। लेकिन ऐसा नहीं है हमारे अंदर आरएनए नहीं पाया जाता, आरएनए हमारे अंदर होता है, ठीक है, डीएनए ही आरएनए को बनाता है। ये बात अपन अगले जब बहुत आएंगे, अपन आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तो एक चैप्टर आएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, आणविक अनुवांशिकी का आणविक आधार। तो हम जब वो चैप्टर लेंगे तो उसमें बात करेंगे कि डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। सो हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए। डीएनए पाया जाता है हमारी कोशिका के केंद्रक में, हमारी सेल के न्यूक्लियस में डीएनए पाया जाता है। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी कोशिका में अनुवांशिक पदार्थ होता है, सिंपल बात है, ठीक है। ऐसा देखने को मिलता है जैसे वायरस है, अब वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो जनरली वायरसेस के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है ना, कौन सा होता है, आरएनए होता है, ये ध्यान रखिए। तो इन्होंने दो पॉइंट्स कहे थे कि जेनेटिक मटेरियल कोशिका में उपस्थित होता है, और एक पॉइंट और कहा कि कोशिका के द्वारा ही अनुवांशिक विभिन्नताएँ आगे स्थानांतरित होती है, कि कोशिका अनुवांशिक लक्षणों को, विभिन्नताएँ नहीं, अनुवांशिक जो लक्षण होते हैं या विभिन्नताएँ जो भी हैं उनको कोशिका के द्वारा ही आगे स्थानांतरित किया जाता है। सिंपल सी बात है कि आज हमारे अंदर जो भी लक्षण आए हैं वो एग और स्पर्म से आए हैं, अंडाणु और शुक्राणु से आए हैं, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो भी तो एक कोशिकाएँ ही थी, उनके अंदर जो कैरेक्टर था, उनका जो डीएनए था, तो एग और स्पर्म का डीएनए मिलकर एक जायगोट बनाता है, तो एक नए डीएनए का फॉर्मेशन करता है। तो आज हमारे अंदर जो है वो क्या हुआ है, एक नया जेनेटिक मटेरियल बना है, लेकिन वो पहले वाले डीएनए से ही तो बना है। तो कोशिकाओं के माध्यम से ही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आगे पास आउट होती है जनरेशन टू जनरेशन, ये भी बात इन्होंने कही, ठीक है। उसके बाद में इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि कोशिका का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, परंतु कोशिकांग का नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट था। कोशिकांग का मतलब सेल ऑर्गेनली, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है। तो देखें, इन्होंने कहा रुडोल्फ विर्चो और नागेली ने क्या कहा कि कोई भी कोशिका है आप उसको बॉडी से बाहर निकाल दो,
ठीक है ना, बॉडी से बाहर निकाल दो और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दे दीजिए, पोषण दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो वो कोशिका जिंदा रह जाएगी, लिविंग कंडीशन में रह जाएगी। लेकिन अगर आप हमारी सेल में से माइटोकॉन्ड्रिया को बाहर निकालते हो, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को बाहर निकाल के रखते हो, तब वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। आप भले ही उनको कितना न्यूट्रिशन दे दीजिए, लेकिन जो सेल ऑर्गेनली होते हैं वो विदाउट एनी प्रोटोप्लाज्म, बिना किसी जीव द्रव्य के जो कोशिकांग है वो जिंदा नहीं रह सकते, उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। लेकिन एक सेल, एक कोशिका जो है वो उसका बिल्कुल रह सकता है ना, उसको जो है वो किसी कृत्रिम माध्यम के अंदर उसको संवर्धित कराया जा सकता है, उसे लिविंग कंडीशन में रखा जा सकता है। तो कोशिका का अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जबकि कोशिकांग का नहीं होता। सेल कैन लिव इंडिपेंडेंटली बट सेल ऑर्गेनली कैन नॉट डू सो, है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सो ये इनका अगला पॉइंट था। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड इन्होंने एक दो चीज़ें और कही थी, ज़्यादा इतने ये चीज़ें मेन है आपको ध्यान रखनी है कि रुडोल्फ विर्चो जो है वो उनकी सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या चीज़ें कही गई थी। रुडोल्फ विर्चो ने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी और अभी यही चीज़ें मान्य होती हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो अपन ने पढ़ा ये है मॉडर्न सेल थ्योरी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इसे ही कहते हैं अपन आधुनिक कोशिका सिद्धांत। तो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो आगे बात करी गई थी, ठीक है। तो रुडोल्फ विर्चो और नागेली जो थे, इनके अकॉर्डिंग बहुत सारी कोशिकाएँ जो है वो ना केवल एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो जेनेटिक्स में भी हेल्प करती है, ठीक है ना। इनका कॉम्पोजिशन जो होता है वो भी जो है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे स्लाइडर और श्वान ने कहा था कि सभी जो कोशिकाएं होती हैं उनका रासायनिक संगठन और उनके जो आकारिकी होती है, जो मॉर्फोलॉजी होती है, वो सिमिलर होती है। स्लाइडर और श्वान ने कहा था कि सभी कोशिकाओं की आकार आकृति वगैरह सब समान होती है, जबकि इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया कि जैसे नर्व सेल है, तंत्रिका कोशिकाएँ हैं, ठीक है ना, नर्व सेल तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका की जो आकार होता है वो बिल्कुल अलग होता है, न्यूरॉन जिसको अपन कहते हैं, है ना। तो न्यूरॉन जो है, जो तंत्रिका कोशिका है, उस वो बहुत ज़्यादा इलॉन्गेटेड होती है, उसकी स्ट्रक्चर बाकी की सेल की स्ट्रक्चर की जैसे नहीं होती। तो न्यूरॉन की संरचना जो है वो आपकी बुक्स वगैरह में दे रखी है कि न्यूरॉन जो होता है उसके अंदर एक एक्सॉन होता है, एक साइटोन होता है, ठीक है। सो ये जो पार्ट्स पाए जाते हैं न्यूरॉन में, वो बताते हैं कि हर कोशिका की संरचना समान नहीं होती है। इसके अलावा हमारी जो मसल्स की जो है, मांसपेशियों की जो कोशिकाएं हैं, मसल सेल जो होती है वो भी इलॉन्गेटेड होती है, बहुत ज़्यादा लंबी दीर्घित होती है कोशिकाएं, ठीक है। तो हर कोशिका का आकार समान नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान रखिए, है ना। हर कोशिका का केमिकल कॉम्पोजिशन भी सेम नहीं होता, किसी में कुछ कॉम्पोजिशन पाए जाते हैं तो किसी में कुछ संगठन अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे जब अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके अंदर हम अगले लेक्चर के अंदर डिफरेंस देखेंगे कि इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे रासायनिक स्तर पर भी हम इसमें अंतर देखेंगे, केमिकल कॉम्पोजिशन के आधार पर भी हम इसमें डिफरेंस खोजेंगे कि क्या होता है प्रोकैरियोट में, क्या पाया जाता है, क्या यूकैरियोट में होता है, है ना। काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो इन्होंने कहा कि नर्व सेल और मसल सेल जो होती है, मांसपेशियों की कोशिकाएँ, और न्यूरॉन सेल, ये अलग हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी जो है ये मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कुछ इन्होंने स्लाइडन और श्वान की जो थ्योरी थी उसको इन्होंने नकार भी दिया था कुछ एक पॉइंट्स को, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स को इन्होंने इंक्लूड भी किया। इनके अकॉर्डिंग भी हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन इनके द्वारा दिए गए जो थ्योरी थी उसमें भी कुछ एक्सेप्शन थे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अपवाद की, एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, कोशिका सिद्धांत के अपवाद। कोशिका सिद्धांत के अपवाद अच्छे से देखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला अपवाद, इन दोनों ने अपनी सेल थ्योरी के अंदर, दोनों ही सेल थ्योरी में बोला गया कि हर ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बनता है, सब प्रत्येक जीव कोशिका से बनता है, जबकि वायरस जो होता है, विषाणु,
वायरस के अंदर कोई कोशिका नहीं पाई जाती, वायरस डू नॉट हैव सेल मशीनरी, ठीक है, वायरस के अंदर किसी प्रकार के कोई कोशिका नहीं होती है। तो वायरस जो होता है वो होता ए सेलुलर होता है, ए अकोशिकीय होता है, ध्यान रखिएगा। वायरस कहता होता है अकोशिकीय, इसमें किसी प्रकार का जो है वो कोशिका नहीं पाई जाती। वायरस के अंदर एक केवल एक प्रोटीन का कोट मिलेगा, एक प्रोटीन की कवरिंग मिलती है चारों तरफ, और बीच में उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, उनका अनुवांशिक पदार्थ। वायरस का जनरली जो अनुवांशिक पदार्थ है वो तो आरएनए है, लेकिन किसी किसी में डीएनए भी पाया जाता है, ठीक है। तो वायरस के अंदर प्रॉपर कोई ऐसा नहीं है कि कोई जीव द्रव्य है, कोई प्रोटोप्लाज्म पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली है, सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका भित्ति है, ऐसा कुछ नहीं है। उनमें केवल एक प्रोटीन का आवरण होता है और जिसके बीच में डीएनए या आरएनए पाया जाता है। तो वायरस जो है वास्तव में ये जीव, निर्जीव और सजीव के बीच की एक संयोजक कड़ी है ना, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि वायरस जो होते हैं वो ए सेलुलर है, इनमें किसी भी प्रकार की कोशिका नहीं बनती, ठीक है ना, नहीं होती है। तो कोशिका से हर जीव नहीं बनता, ये ध्यान रखिए, है ना। जीव जो है ज़रूरी नहीं है हर जीव के अंदर ही कोशिका पाई जाएगी, किसी किसी में नहीं भी होती है। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। सेल थ्योरी में कहा गया कि अनुवांशिक पदार्थ जो है वो केंद्रक में उपस्थित होता है, लेकिन फिर से इसका एक्सेप्शन आरबीसी है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, लाल रुधिर कणिकाएं। इसके अलावा चालनी नलिका, सीव ट्यूब, चालनी नलिका जो होती है, सीव ट्यूब्स जो सेल्स जो होती हैं ये फ्लोएम के अंदर पाई जाती है, जो पादपों के अंदर संवहन ऊतक होते हैं, भोजन संवहन ऊतक जो होते हैं उनको अपन, उनके अंदर एक कोशिका होती है एक प्रकार की, उसे कहते हैं सीव ट्यूब। ये भोजन के संवहन करती है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। लेकिन खास बात है कि हमारी रेड ब्लड कॉर्पसल्स जो ब्लड में पाई जाएंगी, आरबीसी और सीव ट्यूब के अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस एब्सेंट होगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। क्या होगा? केंद्रक अनुपस्थित होगा। तो केंद्रक इसमें अनुपस्थित है तो फिर सभी कोशिकाओं के अंदर तो केंद्रक है नहीं, तो यहाँ पर भी एक्सेप्शन देखने को मिला। इसके अलावा देखते हैं अपन कि एक फंजाई है जिसका नाम है राइजोपस जो एक फंजाई है, इसके पास भी, इसमें क्या होता है कि जैसे इनकी बॉडी जो है, राइजोपस की जो बॉडी है ना वो उत्तकों में विभेदित नहीं होती, मतलब इसके अंदर जो है वो कोशिकाएं जो है वो विभेदित नहीं मिलती, डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता सेल्स का। लेकिन राइजोपस में एक बात है कि इनकी कोशिका में बहुकेंद्र की अवस्था होती है, ठीक है ना। मतलब सेल्स तो डिफरेंशिएट नहीं है, कोई टिश्यू नहीं बनाती, कोई ऑर्गन नहीं बनाती है, कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पर केवल इतना देखने को मिलता है कि बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है, बहुकेंद्र की अवस्था होगी इसमें। मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज तो मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज राइजोपस के अंदर देखने को मिलती है हमें। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक अकेली, जैसे खूब सारी कोशिकाएं तो होगी लेकिन विभेदित नहीं होगी, डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाएगा, इस कारण से टिश्यू नहीं बन पाएंगे, उत्तक नहीं बनेंगे। क्या होता है डिफरेंशिएशन, विभेदीकरण क्या होता है, ये सब मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बता रखा है, तो आप उसे देखें, पढ़िए और फिर जा करके आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे, ठीक है। सो राइजोपस जो होता है उसके अंदर सेल जो है वो क्या नहीं होती, डिफरेंशिएट नहीं होती है, तो लेकिन इनके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड फेज पाई जाती है, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, बहुकेंद्र की अवस्था पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वायरस जो है आरबीसी है, राइजोपस है, इनके अंदर जो है ये क्या है, एक तरीके से एक्सेप्शन है, अपवाद होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, अपवाद। इसके अलावा मसल और न्यूरॉन सेल्स जैसे हैं, ये भी एक तरीके से सेल एक्सेप्शन ही होती है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है कि इनके अंदर जो है ज़रूरी नहीं है कि सभी सेल्स के आकार सेम ही हों, शेप साइज वगैरह सेम ही हों, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आज हमने बात करी है कि व्हाट इज सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत क्या होता है, कोशिका सिद्धांत में क्या क्या पॉइंट्स लाइडेन और श्वान ने दिए थे प्रिमिटिव सेल थ्योरी के अंदर, और फिर उसके बाद आज विर्चो और नागेरी ने क्या क्या वर्ड्स कहे थे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी आज हम लोगों ने पढ़ ली। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे, आगे इस चैप्टर को और कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा,
ठीक है, एंड अपने लाइक्स जो है वो बरकरार रखिए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।